दहशत आपकी जानिब आऊँगा, आप बताएगा। सुबह से हमने रिपोर्ट किया, हमारे रिपोर्टर्स ने हमें रिपोर्ट किया कि पोलिंग का अमल तखीर का शिकार भी हुआ और जो गहमा गहमी थी सियासी वो भी हमें कम दिखाई दी। अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं, सूरत हाल कैसी देख रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ हुई, गहमा गहमी बढ़ी? जी देखिए, मैं ज़िला वस्ती में नॉर्थ नाजमाबाद का इलाका है जहाँ पे UC-8 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे अब से कुछ देर बाद ही हाफिज़ नईमुर रहमान पहुँचेंगे और अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। अगर मजमूई तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अब तक की बात की जाए तो PTI की तरफ से ये दावा किया गया है कि न्यू कराची के एक चंद पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर अब तक जो है वो पोलिंग शुरू नहीं हुई थी, वहाँ पर पोलिंग का अमला नहीं आया था और इसके साथ साथ जो पोलिंग के लिए जो इलेक्शन मटेरियल होता है वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। दूसरी जानेब जमात इस्लामी की जानेब से भी रिटर्निंग अफसर को तहरीरी तौर पर शिकायत जो है वो भेजी गई है और उनका इसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि लियाकताबाद के की दो UCs हैं जहाँ पे 9:25 तक वहाँ पर पोलिंग का अमल जो था वो शुरू नहीं हुआ था, जिसके ऊपर जमात इस्लामी की जानेब से दरख्वास्त की गई है कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। तमाम जो SSP सेंट्रल हैं मारूफ उस्मान, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं, पोलिंग जो थी इन दोनों UCs के अंदर जिस हवाले से जमात इस्लामी शिकायत कर रही है पोलिंग वक्त पर शुरू हुई। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अब तक टर्नआउट कैसा रहा, वैसे तो कराची में जो टर्नआउट होता है वो 12 बजे के बाद ही हम देखते हैं कि जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में निकलना शुरू होते हैं, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो बेशतर जितने जो पोलिंग स्टेशन हैं जो उनके बाद जो पोलिंग कैंप्स कायम होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वहाँ पर सन्नाटा है। जो वोटर्स हैं वो तो दूर की बात है, जो सियासी जमातों के अपने लोग वहाँ पर कारकुन को होना चाहिए था वो भी उन पोलिंग कैंप्स में हमें नज़र नहीं आए। तो टर्नआउट की अगर हमें बात की जाए तो काफ़ी जो है वो कम है, इक्का दुक्का वोटर्स जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी अमनो अमान की कोई इस तरह की अभी तक जो है सूरत हाल नहीं सामने आई है, कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है, इसके साथ साथ रेंजर्स की भी का जो गश्त है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो भी जारी है। जी ठीक है, पोलिंग का अमल भी जारी है, सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।